We all love the original Big Three, जिसमें से एक ब्लीच भी था। As you all know, ब्लीच का एक न्यू सीजन आ गया हुआ है, and melons are good as we used to remember them, not like Boruto. But जैसे ब्लीच की हाइप बढ़ रही है, we can expect a new game in the next gen console या फिर PC. And in the past 7 years हमें ब्लीच की कुछ गेम्स भी मिली हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड भी कुछ ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। कुछ गेम्स वो ठीक ठाक थी और कुछ गेम तो सीधा ट्रैश की तरह थी, और हर गेम में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको फिक्स करना जरूरी था। हमें कई सारी ऐसी ब्लीच की गेम मिल चुकी है जिसके अंदर हमें बस एक बेसिक सा कॉम्बो सिस्टम दे दिया होगा, एक लाइट अटैक होगा, एक हैवी अटैक होगा और एक ब्लॉक का बटन होगा। लेकिन एक गेम ऐसी भी थी जिसके अंदर हम कॉम्बो इंगेज भी कर सकते थे, कॉम्बो कैंसिल भी कर सकते थे और भी बहुत सारे फीचर्स थे। और ये गेम किसी एक ऐसे कंसोल पर रिलीज हुई थी जो कि इन सब फाइटिंग गेम्स के लिए हाईली वैल्यूड भी नहीं है, और इस गेम का नाम है ब्लीच द ब्लेड ऑफ फेथ, और ये रिलीज हुई थी निंटेंडो 3DS पे। अब ये गेम निंटेंडो 3DS जैसे कंसोल पर रिलीज हुई थी, अब तो ऑब्वियस सी बात है इस गेम के ना फ्लॉज तो हो नहीं थे। और अगर तुम्हें कैजुअल फाइटर गेमर हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इस गेम की टाइमिंग के साथ एडजस्ट करने में तुम्हें थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, क्योंकि इस गेम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनपुट लैग है। अब ऐसा नहीं है गेम अच्छी नहीं थी, जैसा मैंने तुम्हें पहले ही भी बताया था, इसके फाइटिंग मैकेनिक्स बड़ी हैं, इसके अंदर एयर डैश भी है, एयर डैश कैंसिल भी है, जो कि तुम उसको फ्लैश टैप की तरह ले सकते हो, जिसके अंदर तुम अपने कॉम्बोस को इंगेज और उससे बचने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और इस गेम के अंदर मीटर बर्न जैसी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो ताकि हम इस गेम को और भी इंटरेस्टिंग बना सके। और अगर तुम्हें मीटर बर्न का एग्जाम्पल चाहिए तो तुम फाइटर्स ही और इनजस्टिस जैसी गेम्स को देख सकते हो। अगर कोई एक फाइटिंग गेम बनी रही है तो उसके अंदर एक बड़ा करेक्टर हो सकता है, इनमें क्या ही दिक्कत है। और ऐसा भी नहीं है एनिमे के अंदर करेक्टर्स की कमी है, सबसे पहले तो हम इचिगो को ले लेते हैं, उसके फ्रेंड्स के ग्रुप को ले लेते हैं, मेजर मेजर सोल रिपर्स उठा लेते हैं, एस्पाडास, फुल ब्रेकर्स और लास्ट में आ जाकर क्विक्सिस को भी, और इन सबको मिलाकर आई थिंक एक अच्छा डिसेंट रोस्टर तो बन ही सकता है। और अगर ये गेम के स्टार्ट में ज्यादा करेक्टर नहीं भी दे सकते हैं तो लेटर ऑन एज अ डीएलसी भी इन करेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, और जिसका बेस्ट एग्जांपल आप फाइटर्स और डेमन स्लेयर की गेम। एंड आई थिंक ब्लीच की गेम में करेक्टर्स की वैरायटी तो होनी ही चाहिए। अब मेरा क्रिएटिव लेवल से क्या मतलब है, जस्ट इमेजिन तुम एक ब्लीच की गेम खेल रहे हो जिसकी स्टोरी तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें स्टार्टिंग कुछ कट सीन दे दी गई और उसके बाद तुम्हें सिर्फ बैटल में भेज दी गई, और थोड़ी देर के बाद ये गेम प्ले थोड़ा सा रेपिटेटिव और बोरिंग लगने लगेगा। एंड यू नो ये एक गेम के साथ हो चुका है जिसका नाम है ब्लीच सोल रेजरेक्शन PS3। और अगर हमें किसी गेम का एग्जाम्पल लेना ही है इसके अंदर, तो हम निंजा स्टॉर्म जैसी सीरीज को उठा सकते हैं जिन्होंने क्रिएटिव लेवल्स के मामले में बहुत ही अच्छा काम किया है। और अगर ज्यादा भी नहीं तो हम QTEs तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, जिसको हम क्विक टाइम इवेंट्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमें सर्टन टाइम पे सर्टन बटन दबाने होते हैं, और जिसके लिए तो हम गॉड ऑफ वॉर को कंसीडर कर सकते हैं, निंजा स्टॉर्म सीरीज कंसीडर कर सकते हैं, और हिनोक्रोमी क्रॉनिकल्स को भी कंसीडर कर सकते हो। तो जैसा कि अभी ही मैं स्टोरी लाइन के ऊपर बात कर रहा था, तो देखो ब्लीच के अब तक जितनी भी गेम्स आई हुई हैं उसके अंदर हमें प्रॉपर स्टोरी लाइन तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली है। इवन तक कि ब्लीच की बेस्ट गेम द सोल रेजरेक्शन में भी हमें बस मोटे मोटे टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे, बीच में एक आधा कट सीन होगा और फिर उसके सीधा गेम स्टार्ट हो जाती है। और अगर हमें किसी डिफरेंट स्टोरी लाइन का एग्जाम्पल उठाना ही है तो हम ड्रैगन बॉल ज़ेनोवर्स को कंसिडर कर सकते हैं, जिसके अंदर पूरी कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी लाइन तो नहीं थी लेकिन पूरी ओरिजिनल स्टोरी लाइन भी नहीं थी। और ऐसा भी नहीं है कि हमें पहली बार कोई ऐसी गेम मिलेगी ब्लीच की जिसके अंदर डिफरेंट स्टोरी लाइन होगी, उससे पहले भी हमें एक गेम मिल चुकी है जिसका नाम ब्लीच द थर्ड फैंटम, जिसके अंदर कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी लाइन। और अब गेम के स्टार्ट के अंदर तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, तुम्हें मेल कैरेक्टर लेना या फिर फीमेल कैरेक्टर लेना, और डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर तुम्हारी गेम के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में भाई बहन होते हैं। और इस गेम की स्टोरी ब्लीच एनिमे से भी स्टार्ट होने से पहले की है, जिसके अंदर तुम कुछ फेमिलियर फेसेस देखोगे और इस गेम को वही इंटरेस्टिंग बनाता है। अब देखो ये गेम टैक्टिकल रोल प्ले टाइप गेम थी, और ऐसी गेम्स के अंदर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है जीतने के लिए, लेकिन इस गेम के अंदर तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे हर करेक्टर एक ही टाइप का डैमेज डील करेगा और तुम्हारे सामने बस एक ही टाइप का एनिमी होगा, तो तुम्हें दिमाग लगाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और ये गेम को खेलना एक टॉर्चर की तरह। तो यार देखो अब नहीं मुझे लगता कि तुम्हें बताने की जरूरत है कि ओपन वर्ल्ड गेम्स क्या होती है। अब देखो इस चीज़ को लास्ट में रखने का भी एक रीज़न है, क्योंकि ओपन वर्ल्ड गेम्स गेमर्स की प्रेफरेंसेस पे आ जाती है। अब देखो ओपन वर्ल्ड गेम्स जैसे ज़ेनोवर्स होगी, कैकरॉट होगी, ये भी अच्छी गेम्स हैं, लेकिन 2D गेम्स जैसे टेकन सीरीज को ले लो या फिर फाइटर जी को ले लो, ये सब भी अच्छी गेम्स हैं। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी गेम प्रेफर करते हो। तो यही थी हमारी लिस्ट कि अगर ब्लीच की कोई न्यू गेम आती है तो उसके अंदर हमें कौन कौन से फीचर चाहिए, और तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर कोई ब्लीच की न्यू गेम आ रही है तो तुम्हें उस गेम से क्या एक्सपेक्टेशंस और तुम्हें उस गेम के अंदर क्या क्या चाहिए। तब तक ब्लीच के नए एपिसोड्स देखो और उसको एंजॉय करो।